अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आशु सिविंग आर्ट्स। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से शेयर करने वाले हैं कलियों वाली फ़्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग। ये 12 कलियों वाली फ़्रॉक है बिना ज्वाइंट की। इसके साथ हमने सलवार टुलिप शलवार भी ऐड करी है। बहुत ही प्यारा ड्रेस रेडी हुआ है ये बनने के बाद। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए, और अगर हमारे चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए पहले लेंथ की मेजरमेंट करेंगे। 36 इंच हमने लेंथ रखी है। अब ये फोल्डेड साइड हम कट करके अलग कर लेंगे। अब हमारी ये लेंथ हो गई, और फिर पहले हम इसके पन्ने की विड्थ की मेजरमेंट करेंगे। 44 इंच इसका पन्ना है, क्योंकि हमें इसमें से कली निकालना है इसी पन्ने में से, तो हम इसीलिए इसकी मेजरमेंट कर रहे हैं। तो हमारा एक पैनल बनता है 16 इंच रेडी, तो हम उसमें 2 इंच सिलाई का ऐड करेंगे एक एक इंच दोनों साइड के लिए। तो ये 18 इंच हो गया, हमें 18 इंच का एक पैनल रेडी करना है। तो 18 इंच में हमें 6 कली बनाना है, तो 18 को हम 6 से डिवाइड करेंगे। जब हम 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 इंच। अब 3 इंच में हम सिलाई का भी ऐड करेंगे, मतलब हर कली में सिलाई जाएगी आधा आधा इंच की। तो 0.50 करके हम इसमें फिर से ऐड करेंगे। तो 3.5 इंच की हमें एक कली की विड्थ रखनी है, मतलब ऊपर से, और नीचे से हम अभी बताएंगे हमें कितना करना है। 44 इंच में हमें 6 कली बनाना है, मतलब कि चौड़ाई नीचे से कली की। तो हम यहाँ पे 8 इंच पे इस तरह मार्क करेंगे, और फिर इस साइड से भी 8 इंच पे मार्क करेंगे, और कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे इसको। अब ऊपर से हमने जो 3.5 इंच की कली कट करनी थी, तो इसको इंची टेप को जब हम इस तरह से फोल्ड करेंगे तो आएगा 0.25 इंच। अब 0.25 इंच हम ऊपर से यहाँ से मार्क करेंगे, 0.25 इंच विड्थ ऐसे लगाएंगे। और फिर जैसे हम कॉमन कुर्ती में या फ्रॉक में टॉप की लेंथ रखते हैं 13 इंच, तो यहाँ पे भी हम 13 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे, और फिर वही मेज़रमेंट जो ऊपर हमने लगाया 0.25 इंच का, इस तरह यहाँ भी चौड़ाई में 0.25 इंच पे मार्क करें और सीधी लाइन कर लेंगे। और फिर स्केल की हेल्प से इस तरह क्रॉस लाइन करेंगे नीचे से, जो हमने पहले 8 इंच पे मार्क किया था क्रॉस लाइन करेंगे, और फिर इस कली की कटिंग कर लेंगे। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकल गया। अब ये हमारी 2 कली कट के रेडी हो गई है। अब हम इस कली को इस तरफ दूसरी साइड इस तरफ पलट कर फिर से, मतलब कि अल्टी कल्टी कर देंगे, और इस तरह से सेट करके रखेंगे, और उसी कली के अकॉर्डिंग हम दूसरी कली कट करेंगे। अब हम फिर से मेज़रमेंट नहीं करेंगे, बस कलियों को उलट पलट कर रखेंगे और फिर उसकी कटिंग करते रहेंगे। इस तरह से हमें 6 कली कट करना है। 6 बार हमें कलियों को कट करना है, तो इस तरह से हमारी पूरी 12 कली कट जाएंगी। फ्रेंड्स, अगर आप 12 से 14 साल गर्ल्स की कलियों वाली फ्रॉक बनाना चाहते हैं, तो अगर आपके कपड़े का 44 इंच पना है तो सेम इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। आपको अलग से कोई मेज़रमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये हम 12 साल गर्ल्स के लिए ये वाली फ्रॉक बना रहे हैं। अब हमारी ये 12 कली कट के रेडी हो गई, और बस इतना ही एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा निकला है। देख सकते हैं आप, जो हमारा पहले कपड़ा जितना निकला था उतना ही कपड़ा यहाँ से भी एक्स्ट्रा निकला है। कोई ज़्यादा कपड़ा हमारा वेस्ट नहीं हुआ है। अब इस तरह से हमने 12 कलियों को रख लिया, ये डबल डबल कलियाँ हैं। अब हम एक एक कली को एक एक में इसी तरह ज्वाइंट कर लेंगे, तो हमारा 2 पैनल बन के रेडी है। बस ये है कि दोनों ये सब डबल डबल रखी हैं, तो हम एक पैनल 6 कली का एक पैनल बना लेंगे, 6 कली का एक पैनल बना लेंगे। अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे।
हमारा एक पैनल बनके रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से बनाई है। और ये दूसरा पैनल, अब दोनों को एक दूसरे के ऊपर अच्छी तरह से सेट कर लेंगे और यहाँ से सीधा कर लेंगे। अब शोल्डर की और नेक और आर्म होल वगैरह की मेज़रमेंट करेंगे। मेज़रमेंट हम यहाँ पे दे रहे हैं और आप अपने अकॉर्डिंग भी मेज़रमेंट कर सकते हैं। ये 12 साल गर्ल्स का है तो 6-6 इंच हम इसकी शोल्डर आर्म होल वगैरह की मेज़रमेंट कर रहे हैं। बहुत ही आसानी से आप ये वाली कलियों वाली फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। बिल्कुल कॉमन तरीके से आप इसकी शोल्डर आर्म होल वगैरह की मेज़रमेंट कर लीजिए और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब एक पैनल को हम अलग से हटाएंगे और बैक नेक की कटिंग कर लेंगे। तो 2.5 इंच चौड़ी इसकी बैक नेक की विथ होगी और 2-2.5 इंच इसकी बैक नेक की डीप होगी। अब फ्रंट पैनल को फिर से रखेंगे और फ्रंट आर्म होल को हल्का सा डीप कर लेंगे 0.5 इंच और 4.5 इंच की डीप रखते हुए फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट नेक में हम पाइपिंग लगाएंगे और बैक नेक में पट्टी लगाएंगे। अब इसकी सिंपल से स्लीव्स कट कर लेते हैं। अब इस तरह की आड़ी पट्टी हमने कट कर ली है। अब फ्रंट पैनल की उल्टी साइड से हम पाइपिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। पाइपिंग लगाने के टाइम हम पाइपिंग वाला कपड़ा हल्का सा खींच लेंगे और नीचे वाला कपड़ा थोड़ा लूज ही रखें, लेकिन बहुत ही हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और फिर सीधी साइड से हम फोल्ड करते हुए बहुत ही आसानी से पाइपिंग लगा लेंगे और ये बहुत ही फिनिशिंग से लग पाती है। अब हमारा फ्रंट नेक बनके रेडी हो गया है। अब बैक नेक में पट्टी लगा लेंगे। पट्टी लगाने के बाद छोटे छोटे कट लगा लेंगे और फिर ऊपर से एक सिलाई कर लेंगे और फिर से पट्टी को इस तरह से पाइपिंग की शक्ल में फोल्ड कर देंगे। और जब दोनों शोल्डर को ज्वाइन करेंगे तो इस पट्टी को हम बाहर कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत मोटी हो जाती है। तो फिर हम इसको बाद में जब पाइपिंग को अंदर करते हैं तो फिनिशिंग से इसको एडजस्ट कर लेंगे ताकि सिलाई अंदर हो जाए। अब आप ये देख सकते हैं, अब इस तरह से हम पट्टी को अंदर फोल्ड करेंगे और फिर से उस पर से स्टिचिंग करना हम इसी तरह बनाते हैं। तो इस तरह तो हमें बहुत ही ईजी लगता है और फिनिशिंग भी अच्छी होती है। देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से गला बन के रेडी हो गया है। अब हमारा गला और शोल्डर दोनों सब कुछ रेडी हो गया। अब हम दोनों साइड को बंद कर लेंगे। अब हमारी दोनों साइड बन के रेडी हो गई है, बंद हो गई है। अब नेक्स्ट काम है कि हमें इसमें स्लीव्स अटैच करना है।
तो आर्म होल को इस तरह से टाइट से पकड़ेंगे और स्लीव्स पे मार्क करेंगे। अब इस मार्क पे कट कर लेंगे और दोनों शोल्डर दोनों स्लीव्स को हम दोनों साइड से बंद कर लेंगे और आर्म होल में अटैच कर देंगे। अब हम नीचे से बहुत ही पतली सी फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे और इस पे इस तरह से इस चौड़ी लेस को अटैच करेंगे। अब हमने पहले ये फोल्ड कर लिया है, बहुत ही हल्का सा हमने फोल्ड कर लिया है और इसके बाद लेस को पहले हम किनारे से ज्वाइंट करेंगे। किनारे से ज्वाइंट करने के बाद हम लेस को टाँचने से पहले सेट करेंगे ऊपर की साइड से। सेट करने के बाद फिर हम ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे, वरना ये सिकुड़ जाएगी और अच्छे से फिनिशिंग नहीं आएगी इसमें। हमने ऊपर वाली लेस को पहले टाँचने से फिक्स कर लिया, उसके बाद ही हम इस पे सिलाई लगाएंगे। अब हमारी फ्रॉक बन के रेडी हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।